गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ थियरी ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर. सो टेक हेडिंग पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स तो आज हम उस चैप्टर की बात करेंगे, उस थियरी की बात करेंगे जो पिछले क्लास में यानी पार्ट वन में बच गया था. तो बचे हुए पॉलिनोमियल्स थ्योरी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. सो रिमाइंडर थ्योरम. क्वेश्चन इज सेइंग अ स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम. ये इसका कॉन्सेप्ट है, अ स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम. तो इसको हम स्टेट कैसे करेंगे और उसके बाद मुझे प्रूफ भी करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टेट मीन्स वी हैव टू राइट अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड देन वी हैव टू प्रूफ इट. व्हाट इज सेइंग अंडर विच क्रिटेरिया वी हैव टू प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम. तो चलिए इसका स्टेटमेंट में चलते हैं. स्टेटमेंट कहता है कि इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन. इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन. एंड ए बी द एनी रियल नंबर एनी रियल नंबर एंड देन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए. तो यह इसका स्टेटमेंट है. अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करनी है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो पी ए आता है. कब? जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं उस पॉलिनोमियल को, पी एक्स पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो पी ए आता है. तो अब चलते हैं इसमें, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. नाउ वी गो अबाउट प्रूफ ऑफ गिवन स्टेटमेंट. लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन विच एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी एक्स. तो जैसे ही पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो इसका क्वाइसेंट अगर मैं जी एक्स मान लूँ और इसका रिमाइंडर आर एक्स मान लूँ तो कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. और बीच वाले को बोलते हैं डिविडेंड. तो आप यहां से लिख सकते हैं डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर. तो यह स्टेटमेंट है डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंट इक्वल्स टू. तो अब इसके हेल्प से पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन विच एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी एक्स देन
देन वी गेट जी एक्स एज क्वाइसेंट क्वाइसेंट एंड आर एक्स एज रिमाइंडर आर एक्स एज रिमाइंडर दस। अब यहाँ देखना है कि जैसे ही पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से तो हमारा जो डिविडेंट बनता है वो एक्स माइ डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट क्वाइसेंट हमारा क्या है जी एक्स है और प्लस आर एक्स रिमाइंडर हो जाता है। किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है डिवाइजर से। जैसे अगर चार को 17 से डिवाइड चार से 17 को डिवाइड किया जाए तो हमारा जो क्वाइसेंट है वो चार आएगा और रिमाइंडर वन आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि वन हमेशा छोटा होगा चार से, तो इसी लॉजिक के आधार पे ये आर एक्स जो होगा छोटा होगा एक्स माइनस ए से। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल है इसलिए मैं डिग्री की बात करूँगा इसमें। दस डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, इससे क्या होगा छोटा होगा एक्स माइनस ए का डिग्री बड़ा होगा और आर एक्स का डिग्री छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका डिग्री वन है तो वन से छोटा कोई अगर इंटीजर आता है तो वह हमारा क्या होगा जीरो होगा। तो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री यदि जीरो होता है तो वह कहलाता है कांस्टेंट, अर्थात आर एक्स जो हमारा है वो कांस्टेंट आ रहा है कांस्टेंट। आर एक्स क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब हम ये लिखते हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट, और ये कांस्टेंट को मैं अगर आर कह दूँ तो कोई गुनाह नहीं है कोई वजह नहीं है अगर इस कांस्टेंट को आर एक्स के जगह पे, क्योंकि आर एक्स हमारा कांस्टेंट आ गया इसको हम आर लेट कर लिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब मैं यहाँ स्पेस कम रहने के कारण इसको इरेज कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये कहाँ से आया ये डिविडेंट इक्वल्स टू, जैसा कि डिविडेंट रूल मैं बता चुका हूँ और डिविडेंट के हेल्प से मैं यहाँ लिख लिया हूँ, डिविडेंट इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, तो इसके हेल्प से मैं ये लिखा। अब यहाँ पे आर एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि हमारा आर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म आ गया है यानी एक्स से फ्री आ गया है। तो एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर होगा, और यहाँ पे पी एक्स है। अब इसी में मैं पुट कर दूंगा, पुट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स के जगह पे ए पुट करता हूँ इसलिए कि यही एक्स माइनस ए से मुझे डिवाइड करना था। देन पी ए इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, तो ए मेरा क्या हो गया जीरो इंटू समथिंग बिकम्स जीरो प्लस आर, दस आर इक्वल्स टू पी ए। तो हमने क्या देखा कि रिमाइंडर जो है हमारा पी ए आता है, यहाँ पे ए है आप इसको अच्छे से लिख लेंगे तो रिमाइंडर इक्वल्स टू पी ए। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वह पी ए होगा। उसी तरह से आगे हम लोग इसका कुछ एग्जांपल करेंगे, चूँकि इसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अब रेज कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर थ्योरम का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि यदि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो पी ए होता है। उसी तरह से अगर पी एक्स हमारा क्या है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, और इसी पॉलिनोमियल को मैं क्या करता हूँ
कि जी एक्स से डिवाइड करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि जी एक्स हमारा एक्स माइनस वन है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार रिमाइंडर तो हमारा पी वन होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर को अगर मैं जीरो में डालता हूँ, एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसके हेल्प से जीरोज निकाल लेता हूँ इसका, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, देयर फोर एक्स इक्वल्स टू वन, तो एक्स इक्वल्स टू वन वैल्यू हम इसमें डालेंगे, तो पी ए होता है यानी था अर्थात एक्स माइनस ए से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर हमारा पी ए होगा। उसमें क्या था, एक्स माइनस ए से डिवाइड हमने किया था, तो माइनस रहेगा यहाँ पे, तो पी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन है तो पी वन आ गया। अब इस पॉलीनोमियल को पी वन इक्वल्स टू वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, वन माइनस थ्री प्लस टू प्लस वन, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे माइनस में थ्री है टू प्लस वन, ये आ रहा है वन, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद वन आएंगे। तो अगर इस नंबर को डिवाइड कर दिया जाए, एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं इस पॉलीनोमियल को, तो हमारा रिमाइंडर वन आता है। हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से सॉल्व किया, इवन यदि आप चाहें तो एक्चुअल डिवीजन के द्वारा भी इसको सॉल्व कर करके रिमाइंडर वन ला सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व नहीं करनी है बल्कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर करके रिमाइंडर निकालनी है। तो अब चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ, चूँकि रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होने के बाद फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, और फैक्टर थ्योरम के बाद फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो ठीक है, हेडिंग बनाए। चलते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ। तो व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम? अ स्टेट एंड प्रूफ, अ स्टेट एंड प्रूफ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, तो इसे स्टेट करनी है, तो स्टेटमेंट इसका पहले लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इफ, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री, हुज डिग्री एन ग्रेटर देन वन एंड एंड ए बी द एनी रियल नंबर, ए बी द एनी रियल नंबर, ए बी द एनी रियल नंबर देन एंड ए बी द एनी रियल नंबर देन फर्स्ट में देखेंगे एंड सेकंड में देखेंगे, देन कह रहा है कि ए बी द एनी रियल नंबर, देन एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी एक्स, देन एक्स माइनस ए डिवाइड्स पी एक्स, दस पहला देखेंगे, स्टेटमेंट इसका है इफ पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री एन ग्रेटर देन वन एंड ए बी द एनी रियल नंबर देन, देन फर्स्ट में है पी ए इक्वल्स टू जीरो, पी ए हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है पी ए इक्वल्स टू जीरो कॉमा एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड सेकेंड इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल्स टू जीरो, दस रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ हमने देखा स्टेटमेंट कहता है कि ए पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री एन ग्रेटर देन वन एंड ए बी द एनी रियल नंबर देन पी ए इक्वल्स टू जीरो, मीन्स रिमाइंडर जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स,
इफ एक्स माइनस एच ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी इक्वल्स टू जीरो, अर्थात ये है रिमाइंडर जीरो देन फैक्टर, फैक्टर देन रिमाइंडर जीरो। तो अब इस बात को प्रूफ करेंगे, एक बार फिर से इस प्रूफमेंट में हम जो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू सॉरी पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन गिव्स क्वाइसेंट जी एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। तो यहाँ हम फर्स्ट में चलते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, और जैसा कि आप इस बात को जान रहे हैं इट इज़ गिवन दैट, यहाँ क्या है हमारा गिवन है, इधर मुझे प्रूफ करनी है, तो ये टर्म्स गिवन है, ये हमारा रिमाइंडर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए लिख सकता हूँ, और एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स होगा, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं ये हमारा जीरो है तो इसको मैं जीरो कर लेता हूँ एक्स माइनस ए, और ये हमारा जी एक्स जीरो हो गया, दस एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, और यहाँ मैं पुनः पी एक्स रखूँगा। तो आपने क्या देखा कि एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, दस एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि जो है एक्स माइनस ए हमारा फैक्टर हो गया पी एक्स का, क्योंकि इसमें कहीं कोई सब मल्टीपल फॉर्म दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, इसलिए एक्स माइनस ए हमारा क्या है एक फैक्टर हो गया पी एक्स का। सो फर्स्ट इज प्रूव्ड एंड वी विल गो इन प्रूविंग ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल्स टू जीरो। तो अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल्स टू जीरो, यह बात को प्रूफ करनी है। तो यहाँ भी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ भी हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर का रूल अप्लाई करेंगे। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ देखना ये है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू इंटू क्या होगा जी एक्स होगा, जी एक्स हमारा क्या है क्वाइसेंट है, और प्लस आर एक्स। हम यहाँ प्लस आर एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि ये कह दिया है कि एक्स माइनस ए ये फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जब हम डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि यदि रिमाइंडर जीरो है तो हमारा एक फैक्टर बनता है, फैक्टर होगा। तो यहाँ अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हर हालत में जीरो होगा, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है रिमाइंडर हमारा क्या है रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि एक फैक्टर है, दस ऐसा लिख सकते हैं कि पी ए जो होगा हमारा क्या होगा जीरो हो जाएगा, और यही मुझे प्रूफ करनी थी यानी प्रूफ्ड। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि यदि किसी भी नंबर को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स एक्स माइनस ए से अगर पी एक्स को डिवाइड किया जाए तो यहाँ जो हमारा क्वाइसेंट आता है वो जी एक्स होता है और रिमाइंडर आर एक्स होता है। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि अगर ए मेरा जीरो आ जाए अर्थात रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर जीरो तो दिस इंटू दिस प्लस दिस, प्लस दिस में जीरो है तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट इन केस ऑफ रिमाइंडर विल बी जीरो। आदि रिमाइंडर जीरो नहीं है तो इन केस में इसको प्लस में रखेंगे, रिमाइंडर जीरो है तो ये हमारा क्या होगा फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस ए जो फैक्टर ऑफ पी एक्स। और यदि रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस ए एक फैक्टर है px का, और यदि x माइनस ए फैक्टर px का है तो रिमाइंडर हमारा हर हालत में जीरो होगा। तो ये दोनों जो है ना वाइस वर्सा रूल इसमें काम आएगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर का डिफिनेशन कहता है आप पॉलिनोमियल जी एक्स, आप पॉलिनोमियल जी एक्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ जी एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को यदि एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वह फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखते हैं, अगर 3 डिवाइड करता है 12 को, ओके, 4 टाइम्स 12, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये जो है 3 होगा, फैक्टर किसका, 12 का फैक्टर होगा। उसी तरह से देखा जाए तो एक्स माइनस वन या जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करता है, वन इसमें एक्स टाइम्स अगर लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आता है, माइनस यहाँ प्लस, और ये कैंसिल आउट होता है, यानी कि एक्स माइनस वन, प्लस वन से लगाते हैं तो एक्स माइनस वन, और ये हमारा क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, यानी जीरो जीरो आ रहा है। तो यहाँ हम क्या देखें कि ये कंप्लीट रूप से रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये जो डिवाइजर है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड मतलब रिमाइंडर जीरो जीरो, रिमाइंडर जीरो। तो ये जो होगा फैक्टर होगा किसका, इस नंबर का फैक्टर होगा, इस नंबर का फैक्टर होगा, ये जो है ना फैक्टर कहलाएगा इस नंबर का। तो आई होप कि यह जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम होता है, एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल्स इच डिग्री लेस दैन दैट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल्स सच दैट नो सच फैक्टर हैज़ अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो डियर, कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो इसका अगर फैक्टर निकाला जाए तो कह रहा है कि यह जो है इसका फैक्टर होगा तब होगा जब अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, तो दिए हुए पॉलिनोमियल्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको अगर लिखें कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ऐसा लिखने से हमारा जो डिग्री है वो कमी नहीं होनी चाहिए, डिग्री में कोई हरासमेंट या इंक्रीजमेंट नहीं आने चाहिए। अगर एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, डिग्री का ह्रास नहीं हुआ है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है फैक्टर है इस नंबर का, यानी एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑल्सो एक्स प्लस वन इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो दिस कंसेप्ट इज यूजफुल फॉर यू ऑन वॉचिंग एंड लुकिंग एंड ऑन एक्सेप्टिंग दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या करेंगे, इसको वेल डिफाइंड लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और अगेन एंड अगेन इसको वॉच करेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद आप प्रॉब्लम पे जाएंगे। तो अब जो है कुछ हम एग्जांपल्स इसका देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, एक्स प्लस बाई होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज के रूप में एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई के रूप में लिख सकते हैं। अब उसी तरह से एक्स माइनस बाई होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब इसके फार्मूला को अगर जानते हैं तो इसके फार्मूला होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ इस फार्मूला को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया गया। अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूला के तरफ जिसको कि फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई होल क्यू के पास। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई। तो इस तरह से है, इसका फार्मूला में लिखेंगे तो यहाँ भी स्पेस है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ओके। तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई प्लस थ्री एक्स बाई स्क्वायर।
आप इसको और भी अगर ब्रेक करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई कॉमन लेते हैं और एक्स प्लस वाई इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लेकिन फैक्टर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मेरा फैक्टर है। अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या है, फैक्टर है। तो अगर ऐसा फॉर्म में लिखा रहता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, और इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो ये जो है फैक्टर कहलाएगा इस पॉलीनोमियल का। और यहाँ से इस फॉर्म में जाएंगे तो ये हमारा फैक्टर कहलाएगा इस पॉलीनोमियल का। ये दोनों पॉलीनोमियल के फॉर्म में है, ये भी पॉलीनोमियल है और ये भी पॉलीनोमियल है। तो ये अभी फैक्टर फॉर्म में नहीं है, फैक्टर फॉर्म में हमारा ये है, ये हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। और इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म को मैंने ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलीनोमियल। उसी तरह से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिखते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने क्या देखा, यह जो है इस नंबर को ऐसा लिखा गया है, तो हमारा फैक्टर कौन होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में जो लिखा रहेगा वही हमारा फैक्टर होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म में ये है लिखा हुआ, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसको लिखा गया है, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, दिस वन इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो हम समझते हैं कि आपका जो पॉलीनोमियल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। और कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। और इस जितना भी पार्ट वन में आपको पॉलीनोमियल का थ्योरी पढ़ाया गया है, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, अगेन एंड अगेन वॉच करें, देखें, समझने का प्रयास करें। और उसके बाद सॉल्यूशन पर चलेंगे, चैप्टर सॉल्यूशन, पॉलीनोमियल का जो भी चैप्टर होगा उसका सॉल्यूशन पर चलेंगे। और ऐसे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, और आप वहां देख कर करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके यहां पहुंच सके और आप इसको देख करके लाभ उठा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ दिस वीडियो, थ्रू विच फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गेट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोज। सो थैंक यू सो मच डियर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टूडे।